वेल हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इस मूवी का नाम है लालूना। यह मूवी 1979 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में हम देखेंगे कि एक लड़के की लत छुड़वाने के लिए उसकी मौत जाती है, और वह लत किस चीज़ की होती है यह हमें इस मूवी में आगे पता चलेगा। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम जो नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि अपने मॉम कैथरीना और अपने स्टेप फादर डॉगलस के साथ लंच कर रहा होता है। एक्चुअली जो अपने स्टेप फादर को ज़्यादा पसंद नहीं करता था, पर फिर भी उसे उसके साथ ही रहना पड़ता है। जो कि मॉम एक सिंगर होती है, और जो कि रियल फादर इटली में रहते हैं और वही टीचिंग का जॉब करते हैं। लंच के दौरान कैथरीना जो से कहती है कि उसे गाने के ऑडिशन के लिए इटली जाना होगा, जिसे सुनकर जो भी इटली जाने के लिए जिद करने लगता है। अगले दिन हम देखते हैं जब जो का स्टेप फादर इटली जाने के लिए निकलता है, लेकिन वहीं अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जहां मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है, जिससे कैथरीना काफ़ी दुखी हो जाती है और अपनी मॉम को दुखी देख जो भी थोड़ा दुखी हो जाता है। इसलिए कैथरीना इन सब को भुलाने के लिए जो के साथ फौरन ही इटली के लिए निकल जाती है। इटली पहुंचने के बाद जो के काफ़ी सारे दोस्त बनते हैं, और इसी के बीच जो को एरिना नाम की लड़की काफ़ी पसंद आती है। एक दिन जो एरिना को मूवी दिखाने के लिए लेकर जाता है, लेकिन जो को याद आता है कि उसे अपने मॉम की कॉन्सर्ट में जाना है, जिसके बाद फिर वह वहां से निकल जाता है। फिर वह अपने मॉम के कॉन्सर्ट में पहुँच जाता है, जहाँ पहुँच कर वो अपने मॉम को देखता है, जिसे देख कर उसे काफ़ी अच्छा फील होता है, क्योंकि वहाँ पर बैठे सारे लोग उसकी मॉम की काफ़ी तारीफ कर रहे होते हैं, जिसे सुनकर वो काफ़ी प्राउड फील करता है। इसके बाद धीरे धीरे उसका शो काफ़ी पॉपुलर हो जाता है, जिसके साथ कैथरीना भी काफ़ी फेमस हो जाती है। फिर एक दिन कैथरीना की एडवाइज़र कैथरीना से कहती है कि कल उसके बेटे का बर्थडे है, जिसको सुनकर कैथरीना को काफ़ी अफसोस होता है, क्योंकि वो अपने बेटे के बर्थडे को ही भूल चुकी होती है। दूसरी तरफ हम जो को देखते हैं, जो कि काफ़ी नाराज होता है, क्योंकि उसकी मॉम ने आज उसे बर्थडे विश नहीं किया था। तभी कैथरीना उसके पास आती। इसके बाद अगले दिन ही कैथरीना अपने बेटे के लिए एक पार्टी रखती है, जहां पर वह काफ़ी नशा कर लेती है और लोगों के सामने उल्टी सीधी हरकतें करने लगती है, जिसे देखकर जो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके फ्रेंड्स के सामने उसकी इंसल्ट हो रही थी। इसके बाद जो इरिना को लेकर एक खोपचे में चला जाता है, और वह इरिना के साथ जो को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। फिर जब वो थोड़ा और पास जाती है, तो देखती है कि एरिना जो को एक इंजेक्शन लगा रही होती है, जिसे देखकर वह काफ़ी नाराज़ हो जाती है और वह जो को अपने साथ घर ले आती है। घर पहुंचकर वह जो से इन सब चीज़ों के बारे में पूछने लगती है, लेकिन जो उसे कुछ भी नहीं बताता और गुस्से में घर का सामान तोड़ने लगता है। तभी वहाँ कुछ लोग पियानो लेकर आते हैं, तो कैथरीना जो को पियानो बजाने के लिए कहती है, और जब वो पियानो बजा रहा होता है, तो कैथरीना चालाकी से उसके हाथ में लगे इंजेक्शन के निशान को देखने की ट्राई करती है, लेकिन जो समझ जाता है और अपनी मॉम से लड़ाई करने लगता है, और फिर अपने मॉम से नाराज़ होकर घर छोड़कर चला जाता है। लेकिन उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होता, इसलिए वह दिन भर रास्ते में ही इधर उधर भटकता रहता है, और रात होने पर वह घर वापस आ जाता है, लेकिन वह अंदर नहीं जाता बल्कि बाहर में ही बैठ जाता है। तभी वहाँ पर कैथरीना आ जाती है, जहाँ फिर जो अपनी मॉम से कहता है कि मुझे अपने डैडी से मिलना है। वहाँ पर काफ़ी ठंड लग रहा था, जिस वजह से कैथरीना उसे घर के अंदर ले जाती है, और देखते ही देखते जो की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है, इसलिए कैथरीना एक डॉक्टर को बुलाती है। फिर वह डॉक्टर जब उसे चेक करता है, तो उसे पता चलता है कि जो को अंदर से कोई बीमारी नहीं है, बल्कि वह काफ़ी नशा करता है, इसलिए उसकी तबीयत धीरे धीरे ख़राब होती जा रही है। इसलिए वह डॉक्टर जो को नशे से दूर रखने के लिए कहता है। इसके बाद कैथरीना काफी परेशान रहने लगती है। फिर एक दिन कैथरीना जब कहीं से आ रही होती है, तो कार में एक लड़के को बैठा हुआ देख थोड़ा घबरा जाती है। उस लड़के का नाम मुस्तफ़ा होता है। यह वही लड़का होता है जो कैथरीना के बेटे को ड्रग्स बेचता था। अब मुस्तफ़ा कैथरीना के साथ उसके घर जाता है, और घर पहुंचकर वह कैथरीना से कहता है कि उसका बेटा जो अपने ही घर से पैसे चोरी करके मेरे पास नशे की सामान खरीदता था, जिसे सुनकर कैथरीना थोड़ा अपसेट हो जाती है, और वह मुस्तफ़ा से कहती है कि इतने कम उम्र में तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए, जिसको सुनकर मुस्तफ़ा कैथरीना से कहता है कि वह आज से यह काम छोड़ देगा और इसके बाद वह अपने देश वापस लौट जाएगा। फिर आखिरी बार मुस्तफ़ा कैथरीना को एक नशे की पुड़िया देता है और कहता है कि इसकी ज़रूरत जो को पड़ सकती है। इसके बाद वह वहाँ से चला जाता है, और कैथरीना भी घर वापस आ जाती है। घर पहुँचकर वह देखती है कि
जो की हालत अब पहले से काफी अच्छी हो चुकी है, इसलिए रात में वह दोनों कैंडल लाइट डिनर करने का सोचते हैं, जहां जो अपने हाथों से खाना बनाता है। लेकिन डिनर करते वक्त उसे अपने हाथों से बनाया हुआ खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वह गुस्से से वहां से चला जाता है। यहां पर कैथरीना नोटिस करती है कि जो धीरे धीरे चिड़चिड़ा होते जा रहा था, इसलिए वह नशे की पुड़िया जो को दे देती है, जिसको पाकर वह काफ़ी खुश हो जाता है। इसके बाद जो वहाँ पर एक खाली इंजेक्शन खोजने लगता है, लेकिन बहुत खोजने के बाद उसे कोई भी इंजेक्शन नहीं मिलता। तब वह अपने हाथ को ही काटने लगता है। तब कैथरीना उसके पास जाती है और उसके हाथ के ब्लड को चूसने लगती है। तभी जो कैथरीना के हाथ को नीचे लेकर जाता है, जो सो जाता है। अगले दिन कैथरीना म्यूजिक प्रैक्टिस के लिए एक म्यूजिक टीचर के पास जाती है, जहां पर उसके पीछे पीछे जो भी वहां पर आ जाता है, जिसे देखकर कैथरीना को काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद कैथरीना जो को लेकर कहीं घूमने के लिए चली जाती है। इसी दौरान वह एक रेलवे फाटक पर पहुंचते हैं, जहां पर उनको रुकना पड़ता है। वहां पर फिर कैथरीना जो को बताती है कि यह वही जगह है जहां पर उसने उसके डैड को पहली बार किस किया था। कैथरीना जो को अपने साथ अपने म्यूजिक स्कूल लेकर जाती है, लेकिन जो को वह जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए कैथरीना जो को लेकर वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कुछ दूर जाने के बाद एक सुनसान जगह पर उनके कार का टायर पंचर हो जाता है, जिस वजह से कैथरीना कार के टायर को चेंज करती है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो कैथरीना को वहीं पर छोड़कर कार लेकर भाग जाता है। कैथरीना को यह समझ नहीं आता कि जो ने आखिर ऐसा क्यों किया। फिर वह एक आदमी से लिफ्ट मांगती है, जिसके बाद वह उस अनजान आदमी के साथ एक पेट्रोल पंप पर पहुंचती है। तब उसे वहां पर उसकी कार नजर आती है, इसका मतलब जो वहीं पर आकर रुका होता है। तो कैथरीना उसी आदमी के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है और उसके साथ काफ़ी बातें करने लगती है। उधर दूसरी तरफ उसी रेस्टोरेंट में जो भी मौजूद होता है, जो कि कैथरीना को उस आदमी के साथ देखकर काफ़ी गुस्सा होने लगता है और वह कैथरीना का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए वहीं पर पागलों की तरह हरकतें करने लगता है। फिर उस आदमी के जाने के बाद कैथरीना जो को बताती है कि वह बस मजाक कर रही थी। फिर कुछ देर बाद कैथरीना बोलती है कि मैं तो बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ और तुम्हारे डैड से मिलवाना चाहती हूँ। फिर अगले दिन हम देखते हैं कैथरीना जो को उसके डैड से मिलाने के लिए लेकर जाती है। वहां पर वो अपने डैड को देखकर काफ़ी खुश होता है। उसके बाद जब वो वापस आ रहा होता है तो अपने डैड के जूते से अपने जूते को एक्सचेंज कर देता है, ताकि उसी बहाने वह अगले दिन फिर से अपने डैड से मिलने जा सके। इसके बाद अगले ही दिन जो अपने डैड के घर पर पहुंच जाता है और कहता है कि वह जो का फ्रेंड है, और आगे यह भी बताता है कि उसके बेटे जो की डेथ हो चुकी है और अगले दिन उसकी वाइफ का म्यूजिक शो है। इसके बाद वह वहां से चला जाता है और अपने घर आकर अपनी मॉम से कहता है कि डैड काफ़ी अच्छे हैं। अगले दिन जब कैथरीना म्यूजिक शो में जाती है तो वहां पर जो और उसके डैड को साथ में देखती है, जिसे देखकर वह काफ़ी खुश हो जाती है और जो के डैड के पास जाकर कहती है कि जो उन्हीं का बच्चा है। अब यह सब सुनकर जो के डैड उसके पास आते हैं और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं, लेकिन जो इससे गुस्सा नहीं होता बल्कि खुश हो जाता है। और फिर वह दोनों मिलकर कैथरीना का कॉन्सर्ट देखने लगते हैं और यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको यह मूवी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।